हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में सैमसंग A13 आया हुआ है। और जैसा कि इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं तो चार्जिंग का प्रॉब्लम है। चार्जिंग का जो जैक है वो बंदे ने तोड़ दिया है और जिसके कारण ये चार्जिंग हो नहीं रही है। तो इसको हमें चेंज करना है, न्यू लगाना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसको हम साइड में रखते हैं, मेन बोर्ड को मॉडल नंबर के हिसाब से ये A13 नहीं A135FDS ये रहेगा। और इसका हमें चार्जिंग चेंज करना है। तो सबसे पहले हम हमारा PCB होल्डर लेते हैं और इसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। थोड़े दिन को गर्म करते हैं। इसलिए इसको हमने निकाल लिया है डी सोल्डर से। इसको क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों दोस्तों इस पे जाली ये लगी हुई आ रही है, एक प्रकार का गम लगा हुआ आता है। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। इसको हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया। एक न्यू चार्जिंग जैक लेके इसको लगाते हैं। दोस्तों एक न्यू टाइप सी जैक ले लिया है और जैसा कि इसकी पीतल की लेग है, सभी पीछे की इन पे हमें सोल्डर लगाना है। तो पेस्ट हमने पहले लगा लिया है। सभी लेग पे सोल्डर लग चुका है और अब इसको हमें इसमें लगाना है। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, एक्यूरेट इस पे रखना है इस प्रकार। एक्यूरेट रखते हुए कोई भी एक लेग बाहर की आपको जोड़ देंगे। बस ये जोड़ दिया। अब आप ये देखिए, जो आपने पीछे से लेग जोड़ी है ये सभी इक्वल है, एक दूसरे पे है। हाँ तो ये परफेक्ट है, एक सब पे इक्वल है। इसको बस हम गर्म करेंगे तो सब एक में हो जाएगी। बैक साइड करके इसकी जो दूसरी तरफ की जो लेग है वो फिल कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चार्जिंग यहाँ पे तो अच्छे से जाम हो चुका है। इस साइड से और गर्म कर लेते हैं हम। और हमें पीछे से सभी लेगों को वापस जोड़ना है। तो इसके जोड़ने के लिए आपको
दोस्तों सभी पे पेस्ट लगाते हुए आपको एक एक करके इनको जोड़ना है इस प्रकार। हर एक लेग को आपको गर्म करना है। फिर दो दो का पेयर बना के आपको इन लेगों को वापस गर्म करना है। कोई भी लेग छूटनी नहीं चाहिए। ओके, एक बार क्लीन कर लेते हैं दोस्तों, फिर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सभी लेग इंडिविजुअल है, परफेक्ट चिपक चुकी है। ओके, अब इसको हमें चेक करना है दोस्तों। बोर्ड को मैंने पैक कर लिया है और इसको अब चेक कर लेते हैं। कनेक्ट किया और इसने चार्जिंग दिखा दी है, वो भी फास्ट चार्जिंग। तेईस % फास्ट चार्जिंग सिंबल आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार A13 हमारे पास आता है टाइप सी के लिए। तो पूरा का पूरा पत्ता चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चार्जिंग जैक ख़राब होता है तो चार्जिंग जैक ही चेंज करें। और इसी स्टेप से आप लगाएंगे तो 100% वर्किंग करेगा। बस निकालते समय हमें ध्यान देना कि प्रिंट कोई भी टूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।